सो हेलो रैंक पुशर्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी की रैंक पुशिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वैसे इस गेम प्ले में यहाँ पे देखिए 40 बंदे लाइव हैं और जो पांचवा सर्कल है वो स्टार्ट होने वाला था और मैं इस मैच में चिकन डिनर निकालता हूँ। तो कैसे निकालता हूँ आप पूरा मैच ज़रूर देखिएगा। वैसे अभी जो है मैचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, जो बंदा गोल्ड पे है प्लेटिनम में होगा उसका मैचिंग का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मैचिंग चाहिए मैच में तो आपको दोपहर में खेलना होगा, नहीं तो रात के 11 बजे के पहले पहले ऐसे खेलना होगा तो आपका मे बी मैचिंग हो जाए, ठीक है। अगर आप सुबह सुबह खेलेंगे और रात के 12 बजे के बाद खेलेंगे तो मे बी आपका मैचिंग ना हो। वैसे यहाँ पे मैं फुल अपना हील करके और फुल बूस्ट वगैरह करके इस जोन में एंट्री लेता हूँ। वैसे गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा यार सपोर्ट करिए। आप देखिएगा लास्ट में मैं आखिर मैं सर्वाइव कैसे करता हूँ। भाई ये गेम प्ले काफ़ी हार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक ही किल है और इवेंट पे मैं उतरते ही मर गया था। ये एक किल बोट के है तो फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ आके ये जो पत्थर वगैरह है यहाँ किनारे पे यहीं पे अपनी अपनी गाड़ी रोक के यहीं पे सर्वाइव करूँगा। फिर उसके पहले मैं सोचता हूँ पीछे से कोई बंदा आके मार न दे तो फिर मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी ठोकता हूँ और यहीं पर लेट जाता हूँ शांति से। तो कुछ देर तक लेटे रहने के बाद भाई यहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो यहाँ पर भी 33 बंदे बचे थे तो मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर मैं यहाँ पर एक स्मोक करता हूँ। जोन अभी मैं से दूर में जा चुका था भाई, अब भी 28 बंदे लाइव हैं, अब 26 हो गए। तो कई सारे बंदे जोन से मर गए और कई सारे बंदे लड़के मर जाते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा जाता है तो फिर भाई मैं बिना रिस्क लिए यहाँ से अपनी गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ जैसे मेरे को बंदे का फुटस्टेप आया। क्योंकि भाई मेरे को इस मैच में अगर मैं टॉप 10 निकाल लिया तो भाई काफ़ी अच्छा प्लस मिल जाएगा, मेरे को किल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। किल तो टॉप 10 निकालने में वैसे मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये शेक पे आके मैं सोचता हूँ यहाँ पे कोई बंदा ना हो, फिर मैं सोचता हूँ यहीं पे रुक जाता हूँ और मैं शेक के अंदर घुसता हूँ। यहाँ पे कोई बंदा नहीं था तो मैं यहीं पे बैठता हूँ और फिर मैं यहीं पे बैठ के यहाँ से सामने वाले बंदे को थोड़ा स्पॉट करने का भी ट्राई करता हूँ, बट बंदा मेरे से दिखता नहीं है। तो मैं बंदों के मरने का वेट करता हूँ, मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ और अभी बंदे बचे थे 17। तो मैं यहाँ पे शांति से बैठा रहूँगा, आप भी यही किया करिए। जल्दी ज़बरदस्ती बंदे को मारने का ट्राई मत किया करिए। अगर आप किसी बंदे को मारेंगे तो आपको कहीं और से पड़ जाती है, ऐसा ही होता है हमेशा, ऐसा सबके साथ में होता है, ठीक है। आप पहले अपना पीछे का देख लीजिए फिर बंदे को मारिए, नहीं तो आप शांति से, अगर आपके पास पोजीशन है आप जोन में है तो बैठे रहिए। तो यहाँ पर मैं अपना ग्रेविटी कार निकाल देता हूँ क्योंकि मेरे को सामने से कोई बंदा ना मार पाए, मेरे को कवर मिल जाए। तो यहाँ पर मैं शांति से बैठा रहता हूँ, वैसे उछल के देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे को सामने एक बंदा भी स्पॉट होता है। फिर मैं इधर बाहर निकल के उसको मारने जाता हूँ। भाई इसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ बट इस बंदे को दूर से किसी दूसरे बंदे ने मार दिया। भाई किल चोरी हो गया, बहुत ही बुरा लगा। फिर मैं यहाँ पे जो ऊपर मैं सोचता हूँ बंदों को देखूँ, पहले मैं इधर स्मोक कर लेता हूँ ताकि ये राइट में जो भी बंदा हो मेरे को मार ना सके। तो मैं यहाँ पर स्मोक करके ऊपर यहाँ मैं शेक पर देखता हूँ बट कोई बंदा नहीं रहता, और ऊपर भी मैं देखता हूँ बट बंदा कोई दिखता नहीं। फिर मैं सोचता हूँ ऊपर का जो एरिया है वो खाली है, सेफ है, तो मैं लास्ट में वहीं पे जाऊँगा, देखिएगा आप। तो भी बंदे बचे थे 11 और मैं इधर लेफ्ट में भी देखने का ट्राई करता हूँ, बंदा नहीं दिखता। फिर मैं बाहर इधर निकल के यहाँ से मैं सोचता हूँ कोई बंदा दिख जाए, उतना मेरे को देखना बहुत ही गंदे तरीके से पड़ती है बट मैं यहाँ पे सर्वाइव कर जाता हूँ। यहाँ पे जोन भी स्टार्ट होने वाला रहता है और मैं अच्छे टाइम पर अपना फर्स्ट एड कर लेता हूँ। फिर मैं यहीं पे थोड़ी देर तक इस बंदे को अपना जो है ध्यान हटाने के लिए अपने ऊपर से यहाँ यहीं जोन के बाहर ही रह के थोड़ा हील बैटल करता हूँ ताकि ये बंदा मेरे को मारे ना और ये बंदा का मेरे पे से ध्यान हट जाए। और आप भी यही किया करिए, ऐसे ही खेला करिए, आपको ज़्यादा हार्ड मतलब कि खेलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप मैच निकाल लेंगे। फिर मैं यहाँ से उड़ के ये पत्थर जो है ये जोन में रहता है तो मैं यहीं पर आके यहीं पर बैठ जाता हूँ और फिर मेरे पास हीलिंग ख़त्म थी और यहाँ सामने पे एक बंदा दिख रहा था, मेरे को एक टाइम पे लगा कि भाई ये पेटी वगैरह है। फिर इसको पढ़ने लगती है तुमसे और फिर मैं इसको मार के भाई उस बंदे का मैं किल चोरी कर लेता हूँ। वैसे मेरा किल चोरी हुआ था, फिर मैं भी एक किल चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर। फिर यहाँ पर बंदे बचे थे 6। मैं अपने आप को इंजेक्शन लगाता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ, फिर यहीं पर बैठा रहता हूँ और फिर इधर से मैं बंदों को थोड़ा देखने का ट्राई करता हूँ। मैं काफ़ी ओपन में था, बंदा अगर राइट में कोई बंदा रहता तो मेरे को मार देता बट बंदा कोई नहीं था, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी जिसकी वजह से मैं चिकन निकाल पाया, ठीक है। वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, मैं यहाँ से उड़ के जल्दी से ये ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे बंदे लड़ रहे होते हैं तो ही 5 बंदे बचे थे। तो भाई लड़के लड़ते लड़ते ये बंदे 4 बंदे बचे। वैसे यहाँ पर फिर ऊपर एक बंदा और एक बंदा लेफ्ट में है तो ऊपर वाले बंदे को
तो ऊपर वाले बंदे को मैं मार दिया और यहाँ पे एक बंदा लास्ट का मेरे को लग रहा था कहाँ पे हो सकता है। फिर मैं सोचा कि ये बंदा शेक में ही होगा क्योंकि शेक से काफ़ी देर तक वो गाड़ी खड़ी थी, वहाँ भी बंदा था। मैं इसको पॉइंट करके देखा तो यहाँ पे बंदा हल्का सा मेरे को स्पॉट हो रहा था। फिर मैं इसको हल्का सा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, भाई बंदा काफ़ी 20-30 HP का डैमेज हुआ। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पर आराम से मैं मोली कर दूँगा, ग्रेनेड कर दूँगा और बंदा मर जाएगा। फिर उतने में बंदा यहाँ से, काफ़ी चालाक बंदा था ये भी, उड़ के यहाँ से भागने लगता है। फिर मेरे पास M249 थी और मैं अपना स्प्रे रोकता ही नहीं, मैं जिगल करता रहता हूँ और फायर करता रहता हूँ। फाइनली मेरा चिकन डिनर इस मैच में भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए मेरा किल जो है 4 किल था और चारों किल लास्ट के जोन में ही आए। तो आपको ज़्यादा बंदों को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मैच खेलिए, आप निकाल लेंगे। तो देखते हैं इस मैच में आखिर मेरे को प्लस कितना मिला। ओके, तो भाई इस मैच में 25 प्लस मिला, काफ़ी अच्छा प्लस मिला। उसके बाद ये दूसरा गेम प्ले है, यहाँ पे देख सकते हैं जो जोन है पूरा पानी के अंदर बना था। वैसे यहाँ पे मेरे 7 किल हो गए थे जो कि इवेंट पे ही हो गए थे, तो मैं इस गेम को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था। तो मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक, अभी देख सकते हैं भाई 20 बंदे बचे हैं, तो मेरे को 7 किल हो गए थे। तो मैं सोच रहा था मैं इस मैच में टॉप 10 बस निकाल लूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इधर बैठा रहता हूँ शांति से, ये पोजिशन मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। तो भाई मैं बैठा रहता हूँ, कुछ आड़ा टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हाँ मैं बैठा रहता हूँ, यहाँ पे एक बंदा आता है, शांति से बैठा रहता हूँ, बस बंदे को आराम से मार दूंगा। वैसे मैं बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ क्योंकि बंदे कहीं से भी मार सकते हैं, क्या पता कब क्या हो जाए, भाई गेम का कोई भरोसा नहीं है। वहाँ यहाँ पर बंदा आता है वैसे, तो इस वाले बंदे को मार दिया और मार के मेरे 8 किल हो गए। तो ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये जोन श्रिंक होना स्टार्ट होने लगा था और बंदे बचे थे अभी 14। तो मैं आराम से जाता हूं क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं पत्थर पे कोई बंदा ना हो और ताकि पीछे से बंदा मेरे को मार ना सके, क्योंकि इस जो ये कार है कैप्सूल कार, इसमें पीछे से गोली भाई बहुत गंदे तरीके से पड़ती है। और जैसे यहां पे मैं जोन में हल्का सा एंट्री लेता हूं और मेरे ऊपर दूर से शॉट्स आते हैं, वैसे मैं जोन में मतलब एंट्री कर चुका था, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। तो मैं यहीं पर काफ़ी देर तक सर्वाइव करता हूँ और लास्ट में 13 बंदे बचे। और कुछ देर में जो जब जोन श्रिंक हो जाता है तो सारे बंदे जो है जोन से मर जाते हैं। तो बंदे जोन से मरना स्टार्ट हो गए, तो अभी मैं टॉप 10 हो गया था। तो मैं यहीं पे काफ़ी देर तक बैठा रहता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ इधर से जाऊँ, 5 बंदे बचे थे। फिर यहाँ पे बंदे मैं सोचता हूँ यहीं से थोड़ा देख लूँ, स्पॉट करूँ, बंदे स्प्रे करूँ क्या पता लग जाए। फिर ये बंदा मेरे को ध्यान नहीं गया, यहाँ पे एक बंदा था जिसने मुझे मार दिया। भाई मैं एग्जिट करने का ट्राई किया बट एग्जिट मेरे से होता ही नहीं। फिर इस मैच में भी मेरे 26 किल हुए। तो इस मैच में यहाँ पे लास्ट में जो जोन है एकदम से पानी बना था। वैसे इस बंदे के पास यहाँ पे हील करने का एडवांटेज था और यहाँ पे 2 बंदे बचे थे, सामने वाले बंदे के पास हील करने का एडवांटेज नहीं था, तो इसके पास चिकन आ जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।